देखिए आंतरिक प्रतिरोध आज का जो टॉपिक है वो आंतरिक प्रतिरोध है, इंटरनल रेसिस्टेंस। इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होता है? इंटरनल रेसिस्टेंस सेल के अंदर होता है। क्या होता है? सेल मतलब क्या होता है? बैटरी। बैटरी के अंदर जो भी धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा होती है, धारा के मार्ग में किसमें? बैटरी के अंदर में जो भी धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा होगा उसी को क्या बोलेंगे? आंतरिक प्रतिरोध। क्या बोलेंगे? आंतरिक प्रतिरोध। या किसके किसके कारण होगा? इलेक्ट्रोड या इलेक्ट्रोलाइट। बैटरी में होता है इलेक्ट्रोड होता है या फिर इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड टाइप का हो जाता है, होता है ना। चलिए लिखिए इसका डेफिनेशन जल्दी से। किसी सेल में उपस्थित इलेक्ट्रोड, किसी सेल में उपस्थित इलेक्ट्रोड या इलेक्ट्रोलाइट के कारण, इलेक्ट्रोलाइट के कारण किसी सेल में उपस्थित इलेक्ट्रोड या इलेक्ट्रोलाइट के कारण विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न होने वाली बाधा को आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। और इसमें एक बात आप लोग याद जरूर रखिएगा, ठीक है? एक बात हमेशा याद रखना, किसी सेल का यानी किसी परिपथ में सेल का आंतरिक प्रतिरोध से जितना धारा प्रवाह होगा उतना ही धारा परिपथ में उपस्थित एक्सटर्नल रेसिस्टेंस से भी प्रवाहित होगा। इसको भी याद रखना है। मतलब कि जैसे ये देखिए, यह सेल है ना। अब देखिए सेल में जो भी आपका इंटरनल रेसिस्टेंस होगा ये क्या है? एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। और सेल के अंदर क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट या इलेक्ट्रोड की वजह से क्या होगा? एक बाधा, विद्युत धारा के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न होने होगी वही क्या कहलाएगा बाबू? आंतरिक प्रतिरोध कहलाता। लेकिन इससे जितना ही सेल से जितना धारा प्रवाहित होगी उतना ही धारा किससे प्रवाहित होगी? एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। आंतरिक प्रतिरोध से जो धारा प्रवाहित होगी वही धारा किससे प्रवाहित होगी? एक्सटर्नल रेसिस्टेंस से प्रवाहित होगी। इसको भी याद रखना है हमेशा। मतलब जितना धारा आंतरिक प्रतिरोध से पास करता है उतना ही धारा लोड रेसिस्टेंस से भी पास करता है। हाँ, ये बाहर का प्रतिरोध है, ये आंतरिक प्रतिरोध किसमें होता है? सेल के अंदर होता है। किसके अंदर? सेल। सेल मतलब क्या होता है? बैटरी। बैटरी के अंदर जो भी धारा, बैटरी के अंदर जो भी पास करेंगे धारा, उसके मार्ग में जो किसके कारण बाधा उत्पन्न होगा? इलेक्ट्रोड या फिर इलेक्ट्रोलाइट, जिसकी वजह से वह क्या कहलाएगा? जो बाधा उत्पन्न होगी उसी को क्या कहेंगे? आंतरिक प्रतिरोध कहेंगे। लिखिए इसी बात को, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। किसी परिपथ में लोड रेसिस्टेंस, यही हो गया लोड रेसिस्टेंस तथा इंटरनल रेसिस्टेंस से प्रतिरोध में लोड रेसिस्टेंस तथा आंतरिक प्रतिरोध से समान धारा प्रवाहित होती है। इसलिए ये दोनों हमेशा सीरीज में जुड़े होते हैं। सीरीज मतलब क्या हो गया? श्रेणी क्रम में धारा जब समान बहेगी तो क्या होगा?
सीधा समझने वाला बात है, धारा अगर यदि समान बहती है तो क्या होगा? बीच में जीरो होते हैं। देखो अगर यदि धारा समान बहे तो क्या होता है, वो कौन सा ग्रुप होता है? श्रेणी क्रम समूह। धारा अलग अलग बहे तो वो समांतर क्रम समूह। सबको साफ सुन गया? आंतरिक फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ इंटरनल रेसिस्टेंस, फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ, लिखिए फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ इंटरनल रेसिस्टेंस। आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारण, मतलब उसको क्या क्या प्रभावित कर सकता है कि आंतरिक प्रतिरोध बढ़ेगा कि घटेगा, इसमें क्या क्या कारण होगा जो आंतरिक प्रतिरोध बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, उसके लिए इफेक्टिंग देखते हैं। पहला एक नंबर में लिखिएगा इलेक्ट्रोड की प्रकृति, पहला एक नंबर में लिखिएगा इलेक्ट्रोड की प्रकृति, मतलब इलेक्ट्रोड की प्रकृति कैसा होना चाहिए, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। लिखिए क्या लिखे, इलेक्ट्रोड की प्रकृति। देखिए यदि इलेक्ट्रोड ऐसे पदार्थ का बना हो, यदि इलेक्ट्रोड ऐसे पदार्थ का बना हो यदि इलेक्ट्रोड ऐसे पदार्थ का बना हो जिसका प्रतिरोध उच्च होता है, जिसका प्रतिरोध उच्च होता है, ठीक है, वैसी स्थिति में आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता है, वैसी स्थिति में आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता है। देखिए क्या बोला गया है कि इलेक्ट्रोड की प्रकृति जैसा लेंगे इंटरनल रेसिस्टेंस उस पर डिपेंड करेगा, मतलब ज्यादा प्रतिरोध वाला लेंगे तो क्या होगा, उसका प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध बढ़ेगा, अगर कम प्रतिरोध वाला पदार्थ का लेंगे तो क्या होगा, वह उसका आंतरिक प्रतिरोध हमेशा कम हो जाएगा। वह किस पर निर्भर करता है, आंतरिक प्रतिरोध सेल के अंदर इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर निर्भर करता है, मतलब वह जिस पदार्थ का बना होगा यदि उसका प्रतिरोध उच्च होगा तो उसका आंतरिक प्रतिरोध भी बढ़ेगा, अगर यदि उसका प्रतिरोध निम्न होगा तो उसका आंतरिक प्रतिरोध भी घटेगा, होगा ना। अब लिखिए इलेक्ट्रोलाइट की, दूसरा लिखिए इलेक्ट्रोलाइट की प्रकृति, लिखिए इलेक्ट्रोलाइट की प्रकृति, मतलब इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या हो गया वो बताइए, तो लिक्विड वाला जो होता है, अगर यदि हम लोग ठोस इलेक्ट्रोलाइट लेंगे तो उसमें आयनन नहीं होगा, आयनन को जाने में असुविधा महसूस होगा, वो आसानी से एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकता है, इलेक्ट्रोलाइट की प्रकृति कैसी होनी चाहिए, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट की प्रकृति कैसा होना चाहिए, वह सुगम होना चाहिए, लिक्विड, अगर हम वही ड्राई ले लेंगे, सूखा ले लेंगे, सूखा अगर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, उसमें आयन आसानी से नहीं जा पाएगा, और नहीं जा पाएगा तो प्रतिरोध क्या होगा, आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाएगा, वही अगर लिक्विड का लेते हैं तो आसानी से चले जाता है। चलिए लिखिए
इलेक्ट्रोलाइट की प्रकृति में ड्राई इलेक्ट्रोलाइट में आयन को ड्राई इलेक्ट्रोलाइट में आयन को गति करने में सुविधा नहीं होती है। ड्राई इलेक्ट्रोलाइट में आयन को गति करने में सुविधा नहीं होती है, जबकि लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट में, लिक्विड मतलब क्या होता है, तरल वाला, लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट में आयन को गति करने में सुविधा होती है। जबकि लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट में आयन को गति करने में सुविधा होती है, इसलिए लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट का प्रतिरोध कम होता है। अब तीसरा इलेक्ट्रोड का पृष्ठ क्षेत्रफल, मतलब इलेक्ट्रोड का पृष्ठ क्षेत्रफल, मतलब जितना मोटा होगा ये होगा, इसको देखना। देखिए पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होने से, मतलब मोटापन, उसको मोटा अधिक करेंगे तो प्रतिरोध क्या होगा, कमेगा कि बढ़ेगा? मोटा होगा तो घटेगा, क्योंकि स्पेस उसके पास ज्यादा रहेगा इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए। ज्यादा जगह होगा ना, तार मोटा रहने पर प्रतिरोध घटता है, क्योंकि ज्यादा उसके पास स्पेस होता है इलेक्ट्रॉन को ट्रैवल करने के लिए, उसमें प्रतिरोध बढ़ता है। इसीलिए उसमें एक वायर लगाया जाता है। देखिए इलेक्ट्रोड का पृष्ठ क्षेत्रफल, देखिए इलेक्ट्रोड के पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होने से, आंतरिक प्रतिरोध घटता है। चलिए चौथा आप लिखिए, इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी। अब दोनों इलेक्ट्रोड, मतलब दो होता है, एक कैथोड होता है और एक एनोड होता है, और दो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी को घटाने पर आंतरिक प्रतिरोध घटता है। मतलब दूरी घटाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा, घटबेन करेगा, अरे कम दूरी उसको ट्रैवल करना पड़ेगा तो प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा, प्रतिरोध घटता है। अब लिखिए ताप का प्रभाव, इंग्लिश, हाँ, पांच, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इंग्लिश बोलिए, क्या कारक है, बस लास्ट कारक है ताप का प्रभाव। देखिए ताप का प्रभाव उसमें क्या पड़ता है, बोलिए। अच्छा आप लोग एक चीज बताइए, विस्कोसिटी पढ़े हैं, हाँ, श्यानता जिसको बोलते हैं हम लोग, गाढ़ापन जिसको बोलते हैं, गाढ़ापन नहीं पढ़े हैं,
मतलब ताप बढ़ने से किसी भी चीज का गढ़ापन घटता है कि बढ़ता है? ताप बढ़ने से किसी चीज का गढ़ापन बढ़ता है कि घटता है? बढ़ेगा। अरे किसी भी चीज का ताप बल का गढ़ापन साधारणता घटती है ताप बढ़ने से किसी भी लिक्विड की या किसी भी वस्तु की किसी भी चीज का क्षायणता घटती है। जब क्षायणता घटेगा तो प्रतिरोध उसका क्या होगा? घटेगा। रे क्षायणता मतलब उसका मोटापापन घटेगा। देखो जैसे क्षायणता किसी भी चीज का बढ़ेगा, क्षायणता बढ़ेगा तो क्या होगा? प्रतिरोध घटेगा कि बढ़ेगा? देखिए किसी भी चीज को अगर यदि गर्म करते हैं तो उसके बीच मॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा? हाँ वही बात बता रहे हैं। जब वो गर्म करते हैं तो उसमें प्रतिरोध, उसमें हम क्या करेंगे प्रतिरोध को? जैसे कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, जब उसको हम गर्म करेंगे तो उसके गाढ़ापन में क्या आ जाएगा? कमी आ जाएगी, ठीक है, पतला हो जाएगा। और पतला हो जाएगा तो उसके बीच जगह जाने के लिए क्या हो जाएगा? काफी जगह पर्याप्त हो जाएगा। और पर्याप्त हो जाएगा तो आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा? घट जाएगा। बस वही बात, ताप बढ़ने से यही होता है, आंतरिक प्रतिरोध घट जाएगा। नहीं नहीं, वो वाला नहीं है, वो वाला नहीं है, वो वाला ये नहीं है। दूध में चावल थोड़े करता है, कुछ कुछ करता है, लेकिन उसका प्रतिरोध सबसे अधिक होता है। तो हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl सल्फ्यूरिक अम्ल क्यों डालते हैं? ताप बढ़ने से द्रव की क्षायणता घटती है, ताप बढ़ने से द्रव की क्षायणता घटती है, क्षायणता जिसको विस्कोसिटी कहते हैं, आता नहीं मेरे? क्षायणता विस्कोसिटी जिसको इंग्लिश में कहते हैं विस्कोसिटी घटती है, जिसके कारण आंतरिक प्रतिरोध घटता है। सबसे पहले रिलेशन बिटवीन EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस, देखिए रिलेशन बिटवीन, अगला हेडिंग लिखिए रिलेशन बिटवीन EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस हिंदी EMF तथा विभवांतर के बीच संबंध, इसका हिंदी लिखिए EMF तथा विभवांतर के बीच संबंध। EMF का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और जब किसी इकाई धनावेश को संपूर्ण परिपथ में जो गति करने में किया गया कार्य होता है वही क्या कहलाता है? वही क्या कहलाता है? EMF कहलाता है। कार्य फलन उसको बोला जाता है, जब हम लोग पढ़ रहे थे मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ रहे थे कार्य फलन, किसी भी सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए जितनी न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी को हम लोग क्या बोलते थे? कार्य फलन। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जन कराने के लिए ये बात है।
देखिए सेल के अंदर ईएमएफ भी सेल के अंदर होता है और आंतरिक प्रतिरोध भी किसके अंदर होता है, सेल के अंदर। इसको भी एक हम विभवांतर भी लेते हैं, इसको हम एक विभवांतर टाइप का विभवांतर ही कहते हैं, क्योंकि इसका भी मात्रक वोल्ट होता है और पोटेंशियल डिफरेंस का भी मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, ठीक है। और ये वाला आर जो है यह लोड रेसिस्टेंस है और ये स्मॉल आर क्या है, इंटरनल रेसिस्टेंस है। अभी तुरंत बताए थे आंतरिक प्रतिरोध का पता नहीं। देखिए यदि I बराबर विद्युत धारा, R बराबर आंतरिक प्रतिरोध, कैपिटल R बराबर लोड रेसिस्टेंस मतलब लोड प्रतिरोध, ठीक है, R बराबर लोड प्रतिरोध, और इसमें E बराबर क्या है, EMF है, E बराबर EMF है, तब कुल प्रतिरोध क्या होगा बताइए, तो तब इसका कुल प्रतिरोध क्या होगा बता सकते हैं क्या? इस सर्किट में कुल प्रतिरोध कितना होगा, तब तब कुल प्रतिरोध क्या होगा बाबू, आप बता सकते हैं कोई? क्योंकि आपको एक बात हमेशा याद रखना है, हम इस बात का चर्चा भी किए थे कि धारा समान बहेगी तो दोनों आंतरिक प्रतिरोध और लोड रेसिस्टेंस दोनों किस ग्रुप में होगा, सीरीज ग्रुप में, श्रेणी क्रम में होगा, और जब श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, आर एस बराबर आर वन प्लस आर टू, डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, आर वन आर प्लस आर, ये क्या हो जाएगा, इसका कुल प्रतिरोध होगा, कैपिटल आर क्या हो गया लोड रेसिस्टेंस और स्मॉल आर क्या हो गया आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है, तो इसका कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तब जाके धारा बराबर, तब करंट बराबर क्या फॉर्मूला होता है, यानी धारा बराबर क्या होता है, वी बाय आर, क्या होता है, आई बराबर वी बाय आर, तो क्या होगा टोटल पोटेंशियल दिखाने देता आपको बताए टोटल रेसिस्टेंस, तो ओम के लिए लिखा है, हाँ, तो I बराबर क्या होगा टोटल पोटेंशियल कितना है, E है ना, E, और इसका टोटल रेसिस्टेंस R प्लस स्मॉल R, ये क्या हो गया धारा निकालने का, तो यहीं से अगर यदि हम E का फॉर्मूला लगाए EMF का, तो I इंटू आर प्लस स्मॉल R, कौन चीज धारा में आई बराबर बी बाय आर होता है, तो बी बाय आर ओम के लिए था ना, वो उतना समझ है। इतना तक लिख लिए ना, अब इसे आगे थोड़ा सा और बढ़े, वाह अब आप आई से सब में गुणा करते हैं, तो ई बराबर क्या होगा बाबू, आई आर प्लस स्मॉल आई स्मॉल आर आई होगा ना, तो यहाँ पर देखिए आई आर मिलके क्या होता है, भी ये आई आर क्या हो जाता है कैपिटल भी, ये इसके बराबर हो जाता है, ये जब इसके बराबर हो जाएगा तो ई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो भी प्लस आई स्मॉल आर। अब आपको ये बात पता होना चाहिए, अब आपको ये बात यहाँ पता होना चाहिए कि अगर यदि स्विच ऑन कर दे, अगर यदि स्विच ऑन कर दे तो स्मॉल ईएमएफ बड़ा होगा कि कैपिटल ईएमएफ बड़ा होगा, कैपिटल भी बड़ा होगा, ये भी बड़ा होगा कि ई बड़ा होगा, मतलब विद्युत वाहक बल बड़ा होगा कि विभवांतर बड़ा होगा, अगर यदि स्विच ऑन कर दे तब विद्युत वाहक बल बड़ा होगा, ये कैसे होगा, क्योंकि भी प्लस स्मॉल आई आर होता है कैपिटल नहीं, वही अगर यदि स्विच ऑफ कर दे, स्विच ऑफ कर देंगे तो इससे तो धारा प्रवाहित नहीं होगी, होगी इससे धारा प्रवाहित, यहाँ एक स्विच लगा देते हैं, मान लीजिए यहाँ एक स्विच लगा देते हैं, दोनों को ऑफ कर देते हैं, क्या कर देंगे दोनों को ऑफ कर देंगे, तो क्या इससे धारा प्रवाहित होगी, जब धारा प्रवाहित नहीं होगा तो ये भी का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो, जब भी के वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो, तो उस कंडीशन में ई बराबर क्या हो जाएगा, आई आर आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है यहाँ तक हो गया, ये बात समझ लीजिए, हो गया कहानी हो गया।